आज 5 जून है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मतलब है दुनिया में पर्यावरण को संरक्षित रखना। लेकिन भारत में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे पूरे देश में धीरे धीरे करके पेड़ की जनसंख्या कम होती जा रही है, जिसके अनुसार आज हमारे देश का वातावरण बहुत समय के अनुसार हमारे देश में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण प्रदूषण भी उससे दुगना बढ़ा है। पोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की कमी आई है और लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है, अपने पर्यावरण को ठीक करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जिससे हम अपने वातावरण को दूषित होने से बचा सके। दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण दिल्ली में 2 बार ऑड इवेंट चलाया गया, जिसमें लोगों ने अपने निजी वाहन को छोड़ के सार्वजनिक वाहन को इस्तेमाल किया, जिससे प्रदूषण में काफ़ी कमी आई थी। अगर सभी लोग अपने निजी वाहन को छोड़कर सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल ज़्यादा करें तो शायद प्रदूषण में थोड़ी सी कमी और आ सकती है। देश को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए प्लास्टिक की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पोल्यूशन की ज़्यादातर मात्रा प्लास्टिक के कारण बढ़ती है। लाइफ चैलेंजर फाउंडेशन एक संस्था है जिन्होंने 5 जून को दिल्ली के अलग अलग जगहों में कई पेड़ लगाए और लोगों को पेड़ के फ़ायदे बताएं, पोल्यूशन मुक्त भारत कैसे बनाएं इसके बारे में लोगों को बताया। आप इनका सहयोग करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं और निजी वाहन ना इस्तेमाल करके सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें। शूट आउट न्यूज़ के साथ मैं सूरज कुमार।